हुकूमत हमारा बाजा बजा रही है, हम ये वाला बाजा बजा रहे हैं। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहां। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल बस के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। बोल नेटवर्क की तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और आज हमारा पाकिस्तान पूरे 75 साल का हो चुका है। लोग बोलते हैं क्या है पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जैसे फूलों का गुलदस्ता है पाकिस्तान। लोग कहते हैं क्या है पाकिस्तान, शहीदों के लहू से सींचा मुल्क है पाकिस्तान। लोग कहते हैं क्या है पाकिस्तान, पाक लोगों की सरजमीन है पाकिस्तान। वह जनाब इस साल बच्चे बड़े लड़के लड़कियां बड़े जोशो खरोश के साथ, जोशो वलवले के साथ आजादी के दिन को मना रहे हैं। यहाँ पर कसीर तादाद में बच्चे बड़े छोटे लोग बुजुर्ग सब मौजूद हैं। सबके पास जाएंगे और सबसे उनकी कैफियत मालूम करेंगे कि वो लोग किस तरह इस दिन को मनाते हैं, जश्न आज़ादी के मौके पर क्या क्या अहम अहम चीज़ें करते हैं, सबसे बात करेंगे। तो फिर आइए मेरे साथ। जनाब जब भी आज़ादी का दिन आता है ख़ास तौर पे मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे 14 अगस्त बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त खातून मौजूद हैं और अपनी बच्ची को यहाँ पे ड्रेस दिलाने आई है। साइज चेक किया जा रहा है कि लेंथ इसके ठीक है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूं। अच्छा भाई ड्रेस पसंद आ गया है आपको ये? जी। चले भाई बच्ची को ड्रेस पसंद आ गया है। अच्छा ये बताइए कि आप जश्न आज़ादी किस तरह मनाती हैं? कहीं घूमने जाती हैं, झंडियाँ लगाती हैं, फ्लैग लगाती हैं छत पे, बैजेस लगाती हैं? अरे वाह भाई वाह, कायदे आज़म के मजार जाती हैं। तो अकेले जाती हैं फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। ठीक है। अच्छा अब आपको कोई मिली नगमा सुनाना है, एक शेर सुना दें छोटा सा। पाक सरजमीं शाहबाद की शरे हसीन शाहबाद। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच। और इस वक्त हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं और हमें पता चला कि इनको कौमी तराना बड़ा जबरदस्त पढ़ना आता है। इनकी आवाज ऐसी बात नहीं है, आता है लेकिन अभी शॉपिंग में लगे हुए। नहीं सर एक एक शेर, एक एक शेर सुना दें आप। सर जमीन शाहबाद ईश्वर हसीन शाहबाद, तू निशान अज़्म अली शान, अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाहबाद। क्या बात है, इधर आइए। आज जश्न आज़ादी के मौके पर हमने अंकल की पप्पी ले ली है। तो इस पूरी दुनिया में बेशुमार ममालिक आज़ाद हुए, मगर जिस तरह पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम इस दिन को मनाते हैं, जश्न आज़ादी को बहुत जोश व वलवले के साथ मनाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में इस पूरी पट्टी में यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत सारी दुकानें और हर दुकान इसी तरह खचा खच भरी हुई है। दुकानदार इतना बिजी है, इतना मसरूफ़ है बेचने में कि उसको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे ठीक ठाक? ठीक ठाक भाईजान। फुल शाहरुख खान सलमान खान बने हुए हैं, फुल एटीट्यूड में, इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बात करने का, सिर्फ कस्टमर्स को सारा टाइम दे रहे हैं। सर ये बताइए आपके पास क्या क्या चीज़ें और क्या प्राइस है? 200, 250, 300 अंडरवेयर वाले बनियान सब है, मोजे भी हैं भाई, 14 अगस्त के मोजे भी, 14 अगस्त के मोजे भी हैं, कैप भी है, पूरा सूट है कम्प्लीट हमारा। सूट कितने का है कम्प्लीट? कम्प्लीट सूट 800 रुपए का है, 2700 रुपए का है, 2500 रुपए का है, 1000 रुपए का। सबसे ज्यादा खवातीन क्या खरीद के लेके जा रही हैं? 200-250 वाली टी शर्ट। ओके भाई 200-250 वाली टी शर्ट बहुत ज्यादा बिक रही है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है और मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सामने देखिए क्या हाल है आपके? अच्छा आप जब छोटी सी थी, स्कूल जाती थी, प्यारी सी थी, उस वक्त आप 14 अगस्त कैसे मनाती थी? इसी तरह से जिस तरह से अभी मना रहे हैं। मतलब आप मार्केट आ जाया करती थी बचपन में? बच्चों के लिए कपड़े, बड़ों के लिए कपड़े। क्या की चीज़ आपके पास मौजूद है जरा ये बताइए? हमारे पास बचकाना में भी सब चीज़ें मिलेंगी, सस्ती भी चीज़ें मिलेंगी, 150 से स्टार्ट होता है, 150 से लेके 500 तक के रेट हमारे पास होते हैं। अच्छा कमांडो आर्मी में और कौन कौन से ड्रेसेस हैं उसके नाम बताइए? कमांडो आर्मी में एयरफोर्स के ड्रेसेस हैं, आर्मी के ड्रेसेस हैं, नेवी के ड्रेसेस हैं, हमारे पास टोटल ड्रेसेस, पुलिस के ड्रेसेस हैं, टोटल ड्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा लोग आ रहे हैं खरीदने क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग आ रहे होंगे।
नहीं नहीं लोगों का तो हुजूम है अभी भी, ऐसी बात नहीं है कि महंगाई है तो लोग नहीं आ रहे, लोग अभी भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग आ रहे हैं खरीदारी कर रहे हैं और हम अपना माल बेच रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आंटी सबसे पहले आपको बहुत बहुत जश्न आजादी मुबारक। जी थैंक यू सो मच। ये बताएं कि आज आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आएंगे, जब आप खुद बच्ची थी तो उस वक्त आप जश्न आजादी कैसे मनाती थी? उस वक्त की तो बात ही बहुत अलग थी कि बहुत जोरों शोर होता था जश्न आज़ादी के सिलसिले में, और आज भी हमें वो दिन याद है, हम कभी नहीं भूल सकते। हम अपने बचपन में जश्न आज़ादी बहुत जोरों शोरों जोश और खरोश से मनाते थे। अच्छा ये बताएं कि आपको कोई मिली नगमा याद है? जी हाँ बिल्कुल। ना एक शेर सुनाइए। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। क्या बात है, माशाल्लाह आंटी की आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी। भाई जनाब मैं जिस स्टॉल पे जा रहा हूँ वहाँ पर भरपूर रश है, कचाकच सारे स्टॉल्स भरे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह नहीं है खड़ा होने की, पूरा ठेला हर कॉर्नर से हर जगह से फिल हुआ हुआ है। भाई हमारे साथ मौजूद है, सर पे उन्होंने कैप लगाई हुई है, हाथ में झंडा पहना हुआ है और बैचेस बेचने में मसरूफ है। अंकल को आवाज़ें आ रही है, भाई भाई अंकल अंकल हर जगह से आवाज़ें आ रही है। सर ये बताएं क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद है? पूरे पाकिस्तान की चीज़ें मौजूद है। पूरे पाकिस्तान की चीज़ें इनके पास मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में कोई दो तीन चीज़ें बताइए। नाखून है, झंडे, सब कुछ है सर। ये झंडा भी हमारा ही है, ये सब है। ये सब खुद बनाया आपने? नहीं नहीं हमने खरीदा भाई। वाह जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक प्यारा सा बच्चा मौजूद है, अपनी वालदा के साथ यहाँ पर आया है और उसने खरीदा ये बड़ा वाला बाजा। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुहान। अच्छा यहाँ पर इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं, आपने बाजा क्यों खरीदा ये बताएं? बाजा अच्छा लगता है। इनको बाजा अच्छा लगता है। आंटी बाजा कितने का ही है? 300 का। आपने दिलवाया? इन्होंने अपने पैसे जमा करके लिया जी। आपने अपने पैसे जमा करके बाजा खरीदा ही है? तो पैसे कितने दिन में जमा हुए भाई? हाँ तीन दिन में भाई 300 रुपए जमा कर लिए। तो आप भाई अंकल बात नहीं कर रहे, अंकल सिर्फ बाजा बजा जा रहे। अंकल इतना बाजा क्यों बजा रहे भाई? अंकल बाजा को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए। अच्छा अंकल आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बाजा बजा रहे। हुकूमत हमारा बाजा बजा रही है, हम ये वाला बाजा बजा रहे हैं। अच्छा अंकल ये बताएं कि जब आप छोटे से थे उस वक्त आप 14 अगस्त कैसे मनाते थे और अब किस तरह मनाते हैं? उस वक्त वाकई मनाते थे 14 अगस्त, जो ईमानदारी की बात है, एक खुशी भी होती थी, लेकिन अब खुशी से ज्यादा गम होता है। सच्ची गम क्यों होता है? हालात देखें, मुल्क के हालात क्या हो गया? हालात को महंगाई, गुर्बत, गंदगी, पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, तालीम, खुराक, सफाई, कोई एक मसला बता दो जो इन लोगों ने, हुक्मरानों ने, इनको गाड़ियाँ वो देनी चाहिए जिसमें ड्राइवर बाहर बैठता है। जनाब इस वक्त एक बहुत प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर ही अपनी मामा के साथ शॉपिंग करने आई है और इनको एक बड़ा प्यारा सा मिली नगमा आता है तो हम इनसे सुनेंगे। जी सुनाइए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। वाह जनाब आपको पूरी तैयारियां दिखाई, किस तरह छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे जश्न आज़ादी को मनाने के लिए तैयार है, किस तरह ज़बरदस्त तरीके से इस दिन को मनाने की तैयारी की जा रही है। फैमिलीज ने मार्केट्स का रुख कर लिया है, कुछ लड़कियां बैचेस खरीदने में मसरूफ हैं, कुछ लड़के बाजा खरीद रहे हैं, झंडे, बैच, झंडियां और अपने घरों को सजा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस दिन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोहब्बत के साथ, जोश और वलवले के साथ मनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जल्दी से बोल बस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।